दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी गांव में लोगों को गंदगी के माहौल से कई वर्षों से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी ऋषिपाल मासे ने बताया कि आगे फार्म हाउसों द्वारा नाला ब्लॉक करने के बाद यहीं सीवर का पानी ओवरफ्लो होता रहता है, जिसके कारण यहां हमेशा गंदगी बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इस गंदगी की वजह से स्थानीय लोगों का जीना पूरी तरह दुभर हो रहा है, तो वहीं बीमारियों खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ प्राचीन काल से बना तालाब भी आज पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है और उसकी दुर्दशा भी बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उन्होंने आज स्थानीय सांसद रमेश विधुड़ी को यहाँ बुलाया और अपनी समस्याओं को जनता के साथ अवगत कराया। ऋषिपाल माशे का कहना है, उनका पूरा प्रयास है कि फतेहपुर बेरी की जनता को इस मुसीबत से जल्द निजात मिले। तो उसी में से कर दो, ये भी तो नाला ही है। दलदल तो नहीं है, अभी सफाई कितने दिन में कर दोगे? ये जो पेड़ पूरे खत्म हो गए, सफाई दिख जाए। प्रधानमंत्री जी ने हर पार्लियामेंट में 75 जलाशय डेवलप्ड करने, पानी के आने वाले समय में समस्या पैदा ना हो, बरसात का पानी यहीं कंज्यूम हो, गंदगी बीमारियां फैल रही हैं, फिर कोरोना शुरू हो गए, गंदगी का कोप का भाजन लोगों में ना बन पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इनिशिएटिव लेते हैं, इनिशिएटिव लेने के बाद कंसर्न जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको आदेश कर दिए गए हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो हम इसका फिर पार्लियामेंट में कोई राज्य सरकार अगर इसमें पॉलिटिक्स करेगी और काम को रोकेगी तो हम प्रिविलेज में जाएंगे जी, फिर सीधा सीधा। ये वो ऑनरेबल ऊपर से हमें आदेश हो गया है, तो आज ये अधिकारी आए हैं, SDM साहब आए हुए हैं, फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी आए हैं, सब लोग अधिकारी आए हैं। ही दे हैव एश्योर्ड वी कि वी विल डू इन कमिंग 3 मंथ्स। तो इन्होंने 100 दिन का एक टारगेट दिया है, 100 दिन के टारगेट में करेंगे, लेकिन हम 15 दिन के, 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद फिर एक इंस्पेक्शन रखेंगे, देखते हैं इसमें कितनी प्रोग्रेस है। मेरा नाम ऋषिपाल महाशय है, मैं फतेहपुर बेरी गांव निवासी हूँ। हम काफ़ी वर्षों से हैं परेशान हैं, जब गाँव भी नहीं बसा था, 400 वर्ष पुराना ये बरसाती नदी है जो पहाड़ी से, अरावली पहाड़ी से ये नदी आ रही थी, और जिसको आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, फतेहपुर बेरी गांव इस तरफ से राधा स्वामी की तरफ जाता है, नाला ऐसे जा रहा है, आगे फार्म हाउस वाले ने इसको ब्लॉक कर रखा है। हम काफ़ी वर्षों से कोर्ट में लड़ाई लड़े, जब दिल्ली सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये दिल्ली सरकार का बाढ़ सिंचाई विभाग का नाला है, इस पर हर साल कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का टेंडर लगाते हैं, खाली फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और इस पर कुछ नहीं होता, सिर्फ 2 दिन JCB चलाते हैं, उसके बाद इसे ऐसे छोड़ देता है। जब आगे फार्म हाउस का नाला ये बंद है तो इस पर टेंडर लगाने का रूट नहीं बनता। हमने NGT कोर्ट भी गए थे, हम NGT कोर्ट में, हमारे साकेत कोर्ट में हमारा कोर्ट केस है, लेकिन दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं जिसकी नाकामी के कारण तो अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब जब बरसात आती है पूरा गाँव में एक बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, और अब बरसात आने वाली है, और अब देखो बैग मार के पानी उल्टा गाँव के अंदर पानी भरना चालू हो गया। आज हमारे जो दिल्ली के सांसद हैं श्री रमेश विधुड़ी जी, उन्होंने गाँव के अंदर एक विजिट किया था और नाले पे भी आए थे, नाले की स्थिति देखी थी उन्होंने, और SDM साहब मौके पे थे जिसमें फ्लड डिपार्टमेंट के भी अधिकारी थे, तो उन्होंने फिर डायरेक्शन दिया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि बरसात के आने से पहले ये इस नाले का कोई हल निकल सके। जब जब बरसात आती है, बिगैर बरसात के भी देखो पानी भरा खड़ा नालियों में, क्योंकि बैग मारने पानी चालू कर दिया। आगे फार्म हाउस वाले ने ब्लॉक कर रखा, जो यहाँ के जो अधिकारी हैं फार्म हाउस वाले से मिले हुए हैं, वो उसी के कारण अब तक इस पर नहीं हो रही। अगर इस जमीन को एक बार गवर्नमेंट कर दे, दिल्ली सरकार अगर एक बार कर दे, तो नाले का बहुत जल्दी काम हो जाएगा, तो फिर ये हमें समस्या नहीं हो पाएगी। क्या गुजारिश कर रहे हैं प्रशासन से? तो हम प्रशासन से यही कर रहे हैं कि जो हमारी कोर्ट में केस है, तो जो दिल्ली सरकार के अधिकारी है वो जल्द से जल्द अपनी एक अच्छी और रिपोर्ट को सबमिट करें, ताकि इसको एक जल्द से एक हल निकल जाए इस पे। न्यूज़ 10 इंडिया से मैं मोनिका शर्मा, और आज मैं मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी गांव में, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो बहुत ही बड़ा यहाँ पर छोर दिखाई दे रहा है, गंदे पानी से भरा हुआ है, जो कि यहाँ पर इस गांव में बहुत ही बड़ी समस्या निकल कर सामने आई है, जिसके लिए गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आज उन्होंने जी रमेश विधुड़ी जी को यहाँ पर बुलाया था और अपनी इन समस्याओं को लेकर उनसे खास बातचीत करी। उनके साथ में यहाँ पर जो मौजूद थे SDM महरौली से, वो भी आ रखे थे, और भी उनके साथ में उच्च अधिकारी उपस्थित हुए थे, जिसको लेकर आज जो है उनकी बातचीत हुई है, और इस झोर को साफ करने के लिए उन्होंने यहाँ पर ऐसा वादा किया है। यहाँ के गांव वालों को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है ये जो झोर है इसको सौंदर्य बनाया जाएगा, साथ ही इसके साथ में इसको एक पार्क का रूप भी दिया जाएगा। इसके लिए गाँव वालों ने बहुत ही ज़्यादा आशा जाहिर करी है, और उन्हें उम्मीद है कि इस बार जो है जो झोर का कार्य है वो होकर ही रहेगा। न्यूज़ 10 इंडिया से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।